अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो पिछले व्लॉग पे आप लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया और आप लोगों ने बोला स्मक भी इसका पार्ट टू जल्द से जल्द लाओ, तो आ चुका है इसका पार्ट टू। तो भाई लोग सीन ऐसा था कि उस पेंटबॉल इवेंट वगैरह के बाद हम आ चुके थे खाना खाने। डीडी कैफे एक जगह है, वहां पे हम खाना खाने गए थे। काफी दूर पड़ी थी हमें, तो काफी ज्यादा ड्राइव करने के बाद हम यहाँ पहुंच गए। बट यहाँ मेरी पेट्रोल की सुई ब्लिंक हो रही थी, तो हमें जाना पड़ा पेट्रोल भरवाने। इतनी देर में बाकी लोग अंदर बैठे वो चाय शाय मंगा रहे थे, हमने कहा चलो हम पेट्रोल भरवा लेते हैं, क्योंकि जो हाइएस्ट में हमारे बॉयज थे ना, बाकी यूट्यूबर्स थे, तो वो उनको अभी टाइम था, हाइएस्ट थोड़ी लेट आई थी। तो सीन ऐसा था, हमने चाय शाय ऑर्डर की और इतनी देर में मैंने पेट्रोल भी भरवा लिया और वापस आए। फिर चाय शाय पी और बाकी बॉयज लोग भी आ गए, एंड देन इन्होंने बोला यार शूट वूट करना है कुछ पबजी का, तो हम चले गए बाहर थोड़ा इनका जो ओपन एरिया था। और यहाँ मस्त माहौल था यार, बॉनफायर वगैरह लगी हुई थी एंड काफ़ी मज़े का सीन था, हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। बट हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। यहाँ आपके भाई ने पिक्चर भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, आप लोगों ने देखा होगा, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, नाम से इंस्टाग्राम है। यहाँ शूट वगैरह तो हमारा हो गया नाकाम, क्योंकि भाई हवा की आवाज़ इतनी थी, माइक वगैरह भी काम नहीं कर रहे थे। तो हम अंदर आ गए, फिर हमारा आ गया खाना वगैरह, तो जल्दी से खाना वगैरह खाए निकल गए अगले शूट की तरफ। अगला शूट यहाँ सिर्फ रोमियो गेमिंग और मेरा रह गया था, तो हम जल्दी से वहाँ पहुंचे। 12 बजे तक हम पहुंच गए थे, काफी लेट हो चुका था आई नो, बट यहाँ पे अभी और भी लेट होने लगा है, क्योंकि अभी हमने करना था रोमियो का इंतजार, क्योंकि रोमियो को जो ना पेंट बॉल काफी ज्यादा पड़ी थी, तो उसने पेंट चेंज करनी थी। वो गया अपने होटल, उसने पेंट वगैरह चेंज की और वो आ गया। इतनी देर में एंटीडी और लिली प्लेस भी आ गया, आप लोग तो इनको जानते होंगे। तो इन्होंने होस्ट करना था, क्वेश्चंस वगैरह करने थे पबजी की तरफ से, तो इन्होंने वो पूछे एंड हमने काफी ज्यादा गेम्स वगैरह खेली, तो आप लोग वो एंजॉय करो। एंड उससे पहले जो है ना इनके बूट कैंप का टूर मैं आप लोगों को करवा देता हूं। तो शुरू में तो इन्होंने हमसे थोड़ा इंटरव्यू वगैरह लिया कि आपने टैलेंट हंट वगैरह कैसे जीता एंड कैसे इसके बारे में पता चला, तो वो हमने एक्सप्लेन वगैरह कर दिया एंड थोड़ा जो है ना नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं क्या नाम है क्या सीन है, एंड वो इंटरव्यू हमारा हो गया। उसके बाद पार्ट आता है गेम्स का, तो गेम्स में काफ़ी मज़ा आया। अब आप लोग वो बैठ कर इन्जॉय करो, मज़े से सारी गेम्स में आप लोगों को दिखाता हूँ। और आपका भाई जीता था और फिर रोमियो गेमिंग से हमने डेयर भी करवाया, तो काफ़ी मज़ा आएगा, आप लोगों को इन्जॉय करो। अभी हम आते हैं क्विज की तरफ। इसमें इस तरह होगा कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, मेरे ऑप्शन बोलने के बाद आपने अपना जो करेक्ट ऑप्शन बोलना, तो अगर आपका जीरो तो आपको पॉइंट मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट एन एयर ड्रॉप वेपन नाउ, ऑम और ड्रोजा या एम्बिफोर। यहाँ आपका भाई रोमियो गेमिंग से पॉइंट्स में थोड़ा ज्यादा आगे था, तो जो है ना उनको डेयर करना था, तो उन्होंने बॉक्स खोला और अंदर से निकली मिर्ची, तो सीन चेक करो जरा। मिर्चों के साथ एक रूल होता है कि होस्ट जो है वो मिर्ची पिक करते हैं, तो आप काइंडली हमें दे दें, हम अपनी मर्जी से आपको मिर्च देंगे और आपको खाएंगे। चले अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि होगी डक शेयर। इसमें इस तरह होगा कि लिली और स्मार्ट की टीम होगी, मेरी और रोमियो की टीम होगी। मैं लिली को एक मूवी का नाम बताऊंगा और लिली ने इशारे करके आप लोगों को अपने टीममेट को वो जो है मूवी समझानी होगी। अगर आप गेस कर लेते हैं तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, और अगर आप नहीं गेस कर पाते तो फिर हमारी बारी स्टार्ट हो जाएगी। तो लिली यार मैं आपको दो रूल समझा दूँ कि अगर मैं इस तरह करूँगा तो हॉलीवुड है, इस तरह करूँगा तो बॉलीवुड है, और इस तरह करूँगा तो लॉलीवुड है, और अगर मैं इस तरह करूँ तो मतलब टू वर्ड्स है मूवी में, तो समझाइए आपको। चले अभी स्टार्ट करते हैं, प्लीज गेस करिए। ओके Bollywood.
सर्कल, साइकिल, बोल नहीं रहना, तुम प्रेशर में जा रहे हो। सर्कल वन वर्ड, टू वर्ड, मनी कौन बड़े थे, मनी मुझे लगा कि गेस करना थोड़ा मुश्किल होगा। गोल और माल। चले अब मैं आपको देता हूँ कितने गया कार्ड। चलिए मुझे मुझे एक और राउंड चाहिए, मुझे ट्यूबलेट चाहिए। अच्छा मुझे भी बॉक्स चूज करना है। ऊपर वाला, मैं ऊपर वाले बॉक्स के साथ जा रहा हूँ। प्लीज अब तो वो होना चाहिए। अरे यार करंट नहीं। बस ये होना चाहिए। शिट करंट। अब तो मुंह से करोगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं मुंह से मैं नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मुंह से मैं नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अच्छा हाथ से कर तो मुझे लगेगा। ओके तो मुझे करंट से डर लगता है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। यार ये तो बहुत पागल है। नहीं नहीं नहीं, मैं मुझसे नहीं कर रहा, बिल्कुल मुझसे नहीं कर रहा। हो गया ना, यार ले आ नहीं होगा। वैसे एक बार मैंने झटका खा लिया, वैसे बस बस इसको खत्म करें, इसको खत्म करें। शूट खत्म होते होते 2 बज चुके थे रात के, तो जल्दी से हम निकले। फिर हमने ड्रॉप किया, डंकी प्लेस भी आया हुआ था, बूट कैंप में रोमियो गेमिंग था एंड एस्पेंस कदीर भाई थे, तो इन तीनों को हमने होटल में ड्रॉप किया एंड उसके बाद हम सीधा घर को निकल गए। और यहाँ पे सीन चेक करो, 2:30 बज चुके थे। मैंने कहा यार जल्दी से घर पहुँचे, एंड आउटरो वगैरह इसी वजह से शूट नहीं किया। एंड बहुत ज़्यादा व्लॉग मैंने इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि मैं काफ़ी थक चुका था, सुबह का निकला हुआ था एंड पेंट बॉल इवेंट वगैरह भी खेला, उसकी भी शूटिंग वगैरह, तो आप लोग समझ सकते हो। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट में बताना आप लोग को व्लॉग ऐसा लगा। एंड इन फ्यूचर इस तरह के इवेंट्स के व्लॉग हम लाते रहेंगे। कुछ जो मेन इवेंट्स होंगे उसमें हम कैमरा निकाल के व्लॉग शॉग मना लेंगे, बट डेली व्लॉगिंग कभी मेरे से नहीं होगी। तो लाइक शेयर और फॉलो लाजमी कर लेना। बाकी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय एंड टेक केयर। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से ठोक दीजिए।